गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 18. इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्ट चैप्टर ज्योग्राफी एंड वी कवर द टॉपिक ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर डिवाइड. ओके, और हमने देखा था कि दो मेन मेजर रिवर्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं रिवर्स के, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर. ओके, तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी हिमालयन रिवर. ओके, हिमालयन रिवर क्या होती है? हिमालयन रिवर के अंदर आते हैं हमारे इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. दीज आर रिवर्स आर लॉन्ग एंड जॉइन टू मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र, इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर की मेन रिवर्स होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और किससे ज्वाइंट होती हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ ज्वाइंट होती हैं. अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम. और रिवर सिस्टम क्या कहलाता है? रिवर सिस्टम वो कहलाता है जो एक रिवर बहुत सारे अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ वर्क करती है, उसे कहते हैं हम रिवर सिस्टम. अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम. द इंडस रिवर, द इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट, राइज होती है? तिब्बत से. किसके पास से? लेक मानसरोवर लेक के पास से. फ्लोइंग वेस्ट, फ्लो किस तरफ करती है? वो वेस्ट की तरफ. इट एंटर्स इन इंडिया इन द लद्दाख, और उसके बाद ये तिब्बत से होते हुए हमारे इंडिया पे एंटर करती है लद्दाख में. इट फॉर्म अ पिक्चर स्यू ग्रोच इन दिस पार्ट, और ये एक यहाँ पे एक ग्रोच को क्रिएट करती है अपने बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ. इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जस्कार, नुब्रा, स्योक एंड हुंजा. ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, जो कि कहाँ पे ज्वाइन करते हैं? कश्मीर के रीजन को ज्वाइन करते हैं. द इंडस फ्लो थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अटॉक. दैट मीन्स जो ये इंडस रिवर है वो फ्लो करती है किसके साथ? बल्टिस्तान के साथ और गिलगित के साथ, और फिर उसके बाद ये इमर्ज हो जाती है किनके साथ? माउंटेन्स के साथ, अटॉक के. ओके, देन है द सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम. ये सब इस इंडस रिवर के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर ये दोनों मिल करके एक कहाँ पे आते हैं? मिथन कोट पे आते हैं, पाकिस्तान में. ठीक है, बियॉन्ड दिस, इसके अलावा द इंडस फ्लो टू साउथ वेस्ट इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, और इसके बाद ये जो इंडस रिवर है वो फ्लो करती हुई जाती है साउथवर्ड की तरफ और अरेबियन सी तक पहुंचती है. ईस्ट ऑफ कराची, अरेबियन सी में ईस्ट ऑफ कराची तक पहुंचती है. द इंडस प्लान हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप. ये जो इंडस रिवर होता है, इंडस का जो ये स्लोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है. इसकी टोटल लेंथ होती है 2900 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, और इंडस सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहलाती है हमारे पूरे वर्ल्ड की. ठीक है, अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर. पूरी इंडस का जो तीसरा हिस्सा है, अ थर्ड बेसिन, वो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान. और कहाँ कहाँ पे? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में और बाकी का बचा हुआ पाकिस्तान में. ओके, यहाँ पे ये इंडस रिवर लोकेटेड है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे गंगा रिवर सिस्टम पे. ओके, तो गंगा रिवर सिस्टम, द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड. ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम का क्या है? जो हेड वाटर है गंगा का वो कहलाता है भागीरथी, जो कि कहाँ से मिलकर के बना होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से मिलकर के बना है, और किसको ज्वाइन करता है? अलकनंदा को ज्वाइन करता है, जो कि कहाँ है? देवप्रयाग में, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा में को ज्वाइन करती है भागीरथी, जो कि कहाँ से लेकर बनती है? गंगोत्री ग्लेशियर से.
एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम माउंटेन ऑन द टू द प्लेन्स. और अगर जब उत्तराखंड के बाद ये जब हरिद्वार आप पे आती है तो जो ये गंगा है वो मर्ज हो जाती है किस कहाँ से लेकर के, माउंटेन से लेकर के प्लेन्स तक. ओके स्टूडेंट्स, सो टर्न द पेज एंड कम टू द पेज नंबर 20. द गंगा इज ज्वाइंट टू मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज. और जो ये गंगा है वो काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ ज्वाइंट है हिमालयाज से लेकर के. अ फ्यू ऑफ देम बींग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोशी. और इसके कुछ मेन रिवर्स भी हैं जो कि इसके साथ मर्ज होती हैं और मेजर रिवर्स कहलाती हैं, दैट इज यमुना, गंगारा, गंडक एंड कोशी. ये इसकी मेजर रिवर्स हैं. द रिवर यमुना अराइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय. जो यमुना रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो हुई है यमुनोत्री ग्लेशियर से हिमालय के. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट अलाहाबाद. और ये गंगा के पैलर पैलर फ्लो होती है और बाद में जब ये अलाहाबाद में गंगा से मिक्स हो जाती है, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी के साथ मिक्स हो जाती है. द गंगारा, द गंधक एंड द कोशी राइज इन द नेपाल हिमालय. और जो बाकी की जो तीन मेजर हैं, कोशी, गंधक एंड गंगारा, ये नेपाल के हिमालय से ओरिजिनेट हुई हैं. दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, एवरी ईयर. जो ये वाली वो रिवर्स हैं जो कहाँ पे किन पार्ट्स में आती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स पे आती हैं हर साल. ठीक है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे इनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज. और ये वाली जो रिवर्स हैं ये फ्लड के साथ साथ, नॉर्दर्न प्लेन में फ्लड लाने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लाइफ को डैमेज करती हैं, प्रॉपर्टी को हार्म करती हैं और इवन एग्रीकल्चरल सॉइल को भी ख़राब करके रख देती हैं. द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड्स आर द चंबल एंड द बेल्टा एंड द सन. ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं हमारे पेनिसुलर अपलैंड्स की, तो इनकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं चंबल, बेतवा एंड सन. ओके, दीज राइज फ्रॉम सेमी अरिड एरियाज. और ये वाली जो रिवर्स हैं वो कहाँ से राइज होती हैं, कहाँ से आती हैं, सेमी अराइड एरियाज से. ठीक है, हैव द शॉर्टर कोर्सेज. मैंने ऐसा बता दिया कि आपको पेनिसुला रिवर्स की जो भी रिवर्स होंगी उनका कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहता है, वो ज़्यादा वाटर को कैरी करके नहीं आती. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा. अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो रिवर्स हैं वो फाइनली कहाँ पे जा कर के गंगा से वापस ज्वाइन होती हैं. ओके, सो इन राज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्ट टूवर्ड्स टिल फरका इन वेस्ट बंगाल. अगर हम बात करें इन सारी वाटर बॉडी, इन सारी वाटर बॉडीज की रिवर्स की, तो ये राइट से लेकर के लेफ्ट तक बैंक और ट्रिब्यूटरीज में फ्लो होती हैं. और जो गंगा है वो ईस्टवर्ड जाती है किसके, फरका के वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में फराका के है, उसके ईस्टवर्ड जाती है कौन, गंगा. दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेन ऑफ द गंगा डेल्टा. और ये जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है गंगा डेल्टा का. ठीक है, कौन, ये फरका. ओके, द रिवर बायफर्केट्स हियर. उसके बाद ये जो रिवर है यहाँ पे बायफर्केट हो जाती है, मतलब अलग अलग चैनल्स में टूटने लगती है. किन में द भागीरथी, हुंगली फ्लोट साउथवर्ड्स. जो भागीरथी है वो साउथवर्ड्स की तरफ जाने लगती है थ्रो द डेल्टाइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल. उसके बाद द जो इसकी मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड्स की तरह जाती है बांग्लादेश की तरफ. और बाकी इज जॉइंट बाय द ब्रह्मपुत्र. और बाकी की जॉइंट हो जाती है ब्रह्मपुत्र के साथ.
फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना, और उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम की तरफ जो रिवर होती है उसे मेघना कहा जाता है, ठीक है. दिस रिवर माइटली रिवर दिस माइटली रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल. और जो ये रिवर है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर के बनी होती है वो फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ. और यहाँ पे भी इसका एक डेल्टा फॉर्म होता है. ये जो रिवर है यहाँ पे इसका एक डेल्टा फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं हम सुंदरबन डेल्टा. ओके, आफ्टर देन द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर. अब अगर हम गंगा की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर, ठीक है. उसके बाद इस जो इसका टाइप है ड्रेनेज पैटर्न का, इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो होता है गंगा रिवर सिस्टम से स्टार्ट अम्बाला तक जाता है ये. आफ्टर दैट अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, और इसके बीच में दैट इज इंडस और गंगा के बीच में एक अम्बाला करके वाटर डिवाइड बना हुआ है. दैट मीन्स मैंने वाटर डिवाइड बताया था ना कि जब जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम होता है ड्रेनेज बेसिन होता है, ड्रेनेज बेसिन जब अपवर्ड लैंड के कारण दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है उसे बोलते हैं हम वाटर डिवाइड, ठीक है. तो उसी तरह से जो गंगा और इंडस होती है, इंडस और गंगा के बीच में जो अपलैंड आता है बीच में और जिसके कारण से ये दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उस अपलैंड को कहते हैं अम्बाला, ठीक है. क्योंकि अम्बाला कहाँ पे डिवाइडेड है, इनके बीच में है, इंडस और गंगा के बीच में. द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, और अम्बाला से लेकर के जो डेल्टा बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1800 किलोमीटर. बट फॉल इन इट स्लोप, और उसका जो फॉल आता है स्लोप का वो है 300 मीटर. अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो देर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ पे जो स्लोप है वो 300 मीटर्स का है. तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 1 मीटर का फॉल होता है हर 6 किलोमीटर के बाद. देयरफॉर द रिवर डेवलप लार्ज मिनरल्स, इसलिए ये जो रिवर है वो बहुत सारे मिनरल्स को डेवलप करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.